मैं पहले दिन भी आया था, आज 6 दिन होगा इस धरने को, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी जयपुर से एमएलए हूँ, मैं इनकी भावनाओं के बारे में जानूं, ये क्या चाहते हैं, मैंने समझने की कोशिश की है और मैं और राय करके मैं और भी इनकी भावनाओं को समझ के, मेयर साहब आ जाओ, मेयर साहब आ जाओ, मैंने सभी पार्षदों की भावना जानी है। मैं कोशिश करूंगा कि इन भावनाओं को एक बार फिर से मैं आगे पहुंचाऊं। मैं इस बात की भी कोशिश करूंगा कि अगर कोई रास्ता निकलता है तो ये धरना समाप्त हो। इसमें हमारे सारे एमएलए साहिबान, जो हम चारों एमएलए हैं हेरिटेज के, वो भी, और हम सब इस बात को चाहते हैं, हमारी आपस में टेलीफोन पे बात हुई है कि किसको इसका रास्ता निकले जिससे सारा काम वापस सामान्य रूप से पटरी पे आ सके। तो लगता है टकराव खत्म होगा और वापस से धरने से उठेंगे। भाई साहब, ये लापरवाही नहीं है सरकार आपकी, आपकी पार्षद धरना दे रहे हैं। भाई साहब, अभी क्या सस्पेंड करने की जो मांग कर रहे हैं उस पर कोई बात रखी है महापौर ने? अभी सस्पेंड, मैं एमएलए के तौर पे आया हूँ, मंत्री के तौर पर नहीं आया। आपको लगता है एमएलए के तौर पर?